भाइयों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरवी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। बहुत सारे हब सेंटर मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर भाई, काफ़ी गाड़ियाँ हैं जिनको मैंने कवर कर लिया है। इसके अंदर काफ़ी सारे हब सेंटर रखे हैं, जैसे कि ये मेरे पास यामाहा है और ये मैंने लिया है होंडा साइन ओल्ड मॉडल, यानी कि होंडा साइन केटी वाला जो आता था, जो यूनिकॉर्न के अंदर हब लगता था और साइन का अलग होता था। ये होंडा साइन का भी ले लिया, बट हब जो है कई गाड़ियों में लग जाता है, यूनिकॉर्न के अंदर, एक्सट्रीम में, अचीवर में और भी कई गाड़ियों में लगता है। उसके अलावा ये हमने होंडा साइन BS6 के भी हब सेंटर लिए हुए हैं, ये हब है और ये सेंटर है। उसके अलावा ये हमने पल्सर UG5 को भी कवर किया है इसमें। अभी सबके आपको एक एक करके प्राइस बताऊंगा। और ये हमने लिया हुआ है भाई स्टार सिटी का सेंटर, जो कि अपाची या TVS की सारी गाड़ियों में लग जाता है, ऑलमोस्ट काफ़ी गाड़ियों में लगता है। और अपाची का हब, यानी कि अपाची के हब सेंटर भी लिए हुए हैं। तो कोशिश करा है कि जितनी ज़्यादा कवर सकते हैं उतनी कवर। और ये जो दो हब सेंटर हैं, ये है हमारे पास होंडा CBR 150 के क्लच के हब और सेंटर, और इन्हीं के ऊपर बेसिकली आज की वीडियो जो है वो होने वाली है। हमने सोचा आपको CBR के हब सेंटर की अनबॉक्सिंग जब दिखानी है तो प्राइस कंपैरिजन बनता है, तो इसलिए हमने सारी गाड़ियों के कवर किए हैं। भाई, इनके जो हब सेंटर की प्राइसिंग है ना, हब सेंटर बोलते किसे हैं, पहले तो मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ किसी एक गाड़ी का, कि हब क्या होता है, सेंटर क्या होता है। देखो, ये एक बेसिकली ये चार टांगों वाला जो होता है वो क्लच का सेंटर होता है। क्लच प्लेट लगती है, उसके बाद क्लच का हब लग जाता है। और हब दिखा देते हैं कैसा होता है। ये हब होता है, देख लीजिए, ये हब है और ये सेंटर है, टांगों वाला सेंटर हब। इन्हें हब सेंटर बोलते हैं, ये क्लच के अंदर लगते हैं। भाई, एक एक करके सारी गाड़ियों के प्राइस की हब सेंटर की अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे, और अनबॉक्सिंग नहीं, प्राइसिंग दिखाएंगे, आपको प्राइस बताएंगे, उसके बाद अनबॉक्सिंग दिखाएंगे होंडा CBR के क्लच के हब और सेंटर की, और देखेंगे कि कितना प्राइस डिफरेंस है। भाई, मुझे लगता है कि जितने के ये हैं ना, उतने के ये होने नहीं चाहिए थे, परंतु क्यों हैं ये तो भाई कंपनी जानती है। तो वैसे भी रेट बढ़ा ही रहा है, हर साल कुछ ना कुछ रेट बढ़ा ही देता है, बस मौका चाहिए रेट बढ़ाने का, और मौका मिल गया तो समझ लो बढ़ गए रेट। तो दिखाते हैं आपको सबसे पहले क्लच के हब सेंटर की MRP यामा FZ की। FZ वर्जन 1 हो, 2 हो या 3 हो, तीनों में लग जाते हैं, और यहाँ तक कि आप इन्हें R15 के वर्जन 1 में भी लगा सकते हो। अब आते हैं इसकी MRP पर। क्लच सेंटर जो है वो है ₹149 का, और जो क्लच का हब है हमारा वो है 295, यानी कि ₹295 का। प्राइस दिखा देते हैं आपको, ₹295, देख लीजिए। और सेंटर का प्राइस दिखा देते हैं, 149। ये हमारा हब सेंटर थे यामा FZ के। अब आते हैं अपना TVS के हब सेंटर पे। TVS का जो हब सेंटर है क्लच का, उसकी MRP है ₹177, और ये जो सेंटर है ये लग जाता है स्टार सिटी में। स्टार सिटी क्या, TVS की 100cc की जितनी भी गाड़ी है ऑलमोस्ट सब में लग जाता है, फिनिक्स को छोड़कर। विक्टर में भी लग जाता है, स्टार सिटी में भी लग जाता है, अपाची में भी लग जाता है। उसके अलावा ये हमारे पास क्लच का हब है अपाची का, जिसकी MRP है 358, यानी ₹358 MRP है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपाची RTR में ही लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। आप इसकी उम्मीद मत करना कि ये बहुत गाड़ियों में लग जाएगा। तो इसकी MRP दिखा देते हैं आपको, ₹358, देखिए। और सेंटर की MRP दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए, ये है हमारा क्लच के हब सेंटर अपाची RTR के। अब आते हैं अपना पल्सर UG5 के हब सेंटर पर। UG5 भाई लेटेस्ट है, अभी लेटेस्ट UG5 के हब सेंटर ही चल रहे हैं जो ज़्यादातर गाड़ियों में लग रहे हैं। इसकी MRP भाई हब की है ₹237 और सेंटर की है ₹166। दिखा देते हैं आपको हब की MRP, देखिए UG5 की, और सेंटर की MRP भी दिखा देते हैं, देखो कितनी कम है। अभी तक जितने भी मैंने हब सेंटर दिखाया, सबसे कम MRP शायद हमारा FZ की थी। मैंने अभी आपको यामा का दिखा दिया, TVS का दिखा दिया, बजाज का दिखा दिया। अब स्टार्ट करते हैं होंडा के, और होंडा के हब सेंटर की भी दिखाएंगे क्या MRP होती है। तो सबसे पहले होंडा साइन का जो क्लच का सेंटर आता है, साइन BS4, BS3, BS2, उसकी दिखाते हैं MRP क्या है। तो भाई बोलेंगे नहीं, आपको दिखाएंगे सीधा, देख लीजिए MRP होंडा साइन, देख पा रहे हैं आप, 342। भाई इतनी ज़्यादा MRP, मतलब अभी तक जितने भी क्लच के सेंटर मैंने दिखाया है, सबसे ज़्यादा MRP है 342 को होंडा के अंदर। समझ सकता हूँ मैं क्यों है। अब आते हैं हब के ऊपर। हब को मैंने अनबॉक्स कर लिया था आपको दिखाने के लिए, इसकी MRP दिखाते हैं आपको, देखिए ₹1 कम है, ₹341 है।
एक रुपया कम है पर ऑलमोस्ट बराबरी एमआरपी है, एक रुपये का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। पर अभी तक जितने भी हमने क्लच के सेंटर देखे टीवीएस के या बजाज के या यामा के, सबसे ज़्यादा एमआरपी मुझे होंडा के अंदर लगी, चाहे वो हब हो चाहे वो सेंटर हो। चलिए भाई अब आते हैं, जब होंडा की सबसे ज़्यादा एमआरपी है तो भाई समझ जाइए आपकी इसकी एमआरपी क्या होगी। अगर अभी आप गेस कर सकते हैं कि CBR 150 के हब के सेंटर का प्राइस जो है अब सेंटर कितने का होगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, यही मौका है, फटाफट से कमेंट्स करिए। और अब चेक करते हैं कि सेंटर की क्या एमआरपी है और उसके बाद क्वालिटी देखेंगे कैसी है। तो भाई सिंपल सी पन्नी के अंदर जो इसका सेंटर है क्लच का वो पैक है, और इसके पहले पार्ट नंबर वगैरह डिटेल वगैरह दिखा देते हैं। CBR 150 का है ये क्लच का सेंटर, पार्ट नंबर है इसका दिखाई देते हैं आपको, बताना क्या है। देखो पार्ट नंबर है इसका 22355KGH600, प्लेट क्लच प्रेसर, एक पीस एमआरपी है 635 रुपये। देख रहे हैं भाइयों क्लच का सेंटर है 635 का। अभी तक जितने भी सबसे सस्ता मैंने दिखाया था आपको यामा का जो था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ था, जो कि सबसे सस्ता था। और उसके अलावा मैंने सारी कंपनी के दिखा दिए, किसी का भी सेंटर जो है 200 रुपये से ऊपर नहीं है, सबके 200 से नीचे ही है। उसके अलावा फिर हमने होंडा के अंदर जब साइन का सेंटर लिया तो उसका 342 रुपये तक एमआरपी चला गया, बट अगर वहीं होंडा की ही एक और गाड़ी है CBR 150 इसके क्लच सेंटर को देखते हैं तो 635 रुपये एमआरपी है। देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है जो इतना महंगा है, तो इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कहीं इसमें चांदी तो नहीं भर रखी है, क्या पता चांदी वांदी भर दी हो और इसलिए महंगा हो। नहीं भाई चांदी तो इसके अंदर नहीं है, ये सिंपल सा क्लच का सेंटर है जो कुछ कुछ मुझे करिश्मा के क्लच के सेंटर से मिलता जुलता है। जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है कि आप अगर करिश्मा का सेंटर लगाओगे ना ओल्ड मॉडल करिश्मा का, तो ये मुझे लगता है मैच होके लग जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बिल्कुल डिटो सेम टू सेम वही फिटिंग लग रही है, सब कुछ वही लग रहा है। खैर आप कोशिश करना कि प्रॉपर होंडा CBR में होंडा का ही डालो, क्योंकि प्रॉपर पार्ट जो बनाया भाई 635 का बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। XCD कंपनी का जो इसका क्लच का सेंटर है वो 100% जेन्युइन निकला है, और XCD जो है एक 100% जेन्युइन वेंडर है जो होंडा को एल्युमिनियम के या ये कह सकते हैं क्लच के ज़्यादातर पार्ट्स प्रोवाइड कराती है। क्लच प्लेट भी कभी कभी XCD के आ जाती हैं, और क्लच के हॉजिंग भी XCD के आते हैं होंडा के अंदर ज़्यादातर गाड़ियों के, तो इसीलिए भाई ये जो है हमारा XCD का ही निकला है जेन्युइन। अब भाई सिंपल सा सेंटर है, इतना कुछ खास है नहीं इसके अंदर, पर है 635 रुपये का। अब भाई ये तो सेंटर था, चलो अब आते हैं क्लच के हब के ऊपर, क्लच के हब की भी MRP दिखाते हैं आपको। हब को इन्होंने बॉक्स के अंदर बड़ी शानदार पैकिंग के अंदर पैक किया है, इसकी अनबॉक्सिंग करके सबसे पहले आपको इसकी डिटेल दिखाते। देखिए पार्ट नंबर है इसका, पार्ट नंबर है इसका 22120KPPN00, सेंटर क्लच एक पीस 721 रुपये, जून 2022 की लेटेस्ट पैकिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी है भाई। और करते हैं इसे अनबॉक्स, देखते हैं क्या है इसके, देखते हैं भाई कैसा सेंटर इसका हब कैसा निकलेगा। हब में तो कहीं चांदी नहीं है, क्योंकि हब थोड़ा महंगा है। नहीं यार चांदी वांदी तो नहीं, सिंपल सा है XCD कंपनी का ही है, सिंपल सा सेंटर है हब, सॉरी सिंपल सा सेंटर है, सिंपल सा हब है। आइए आपको पास से थोड़ा सा दिखा देते हैं क्वालिटी कैसी है। तो भाई ये देखिए हब की जो क्वालिटी है बिल्कुल नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा खास इसमें कुछ है नहीं, और सेंटर के अंदर भी कुछ खास नहीं है, सिंपल सा सेंटर सिंपल सा हब। और ये देखिए अब सेंटर बस। तो भाइयों ये हमारा होंडा CBR 150cc के क्लच के हब सेंटर है, जो कि बड़ी मुश्किल से मिले हैं, ये भी मिल नहीं रहते, ऑर्डर पे मंगाया मैंने किसी गाड़ी के लिए, और इतने ज़्यादा महंगे हैं भाई, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि वो होंगे 400-500 रुपये के अंदर अंदर ही होंगे, परंतु जब प्राइस देखा तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा। CBR 150 गाड़ी है, कोई ज़्यादा हैवी गाड़ी तो है नहीं, 250cc तो है, 150 है उस हिसाब से यार, यूनिकॉर्न 150 के हिसाब से रेट हो जाने चाहिए थे हब सेंटर के, पर भाई 700 और 14 मतलब वही 1500 रुपये के आसपास 1400-1500 रुपये के हब सेंटर वगैरह हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत महंगे हैं, आपको इसके रेट कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आइडिया देना कमेंट्स में कि इसका जो हब सेंटर है CBR 150 का आपके हिसाब से कितने तक का होना चाहिए था। तो भाई वो मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।